फाइनली वी हैव गुड न्यूज, क्योंकि यहाँ पे HyperOS 2.2 ऑफिशियली आना चालू हो चुका है हमारे पोको के F6 डिवाइस के अंदर, और अभी स्टिल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी स्टिल सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही है जो टेस्टर के फेज में आया है। लेकिन आप सभी को पता है कि चाइना का जो रोम अगर हम इसमें डालते हैं तो प्रॉपर काम नहीं करता, कुछ सीरियस इशू देखने को मिलते हैं। बट डोंट वरी, हमारे पास अदर ऑप्शन है, वो है हमारा EU का। तो जैसे चाइना में भाई यहाँ पे अपडेट आया 2.2 का, उसका EU वर्जन आ चुका है और इसे मैंने यूज कर लिया है और पूरा टेस्टिंग वगैरह कर लिया और आपके डिटेल शेयर करने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हो 2.0.201 है। इसके पहले मैंने आपको 2.2 का वीडियो दिया स्पेशली इस डिवाइस से रिलेटेड, लेकिन वो एक पोर्ट वर्जन था, बट ये हमारा ऑफिशियल चाइना वाला का ही अपडेटेड वर्जन है और जल्दी ये ग्लोबल में भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि 2.2 में हमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, कितना कुछ हमें चेंजिंग नजर आता है और स्पेशली जो EU वर्जन है इसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। अगर आप एक कस्टमर में वीडियो सुना तो इस वीडियो को देख लेना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब आपको सेफ्टी वगैरह पास करने से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है USP रोम में, क्योंकि एक नया स्टेप लिया गया है हमारे मेंटेनर डेवलपर की तरफ से जो कि विदाउट डूट के आपके सेफ्टी वगैरह को पास करेगा। तो एक बार चेक जरूर कर लेना। आते हैं डायरेक्ट सेटिंग के ऊपर, जहां पे आपको दिखाई देता है माई डिवाइस, जहां पे आप देखोगे 2.0.201 स्टेबल बाय सेमी EU। और अगर हम इसके डिटेल एंड एस्पेक्ट्स पे आएंगे तो आपको देखने को मिलता है यहां पे हमारा CN वर्जन है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जहां पे 6 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच ऐड करा गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी यहां पे फर्स्ट टाइम जब भी आप इसे यूज करते हो फर्स्ट डे, तो कंट्रोल सेंटर ऐसे मूव करने पे आपको हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिल सकता है। सेम चीज आपको वॉल्यूम पे भी नजर आएगी, सेम चीज आपको ब्राइटनेस के अंदर भी देखने को मिलेगी। बट जैसे यहां पे आपका 1 डे कंप्लीट होता है, इसके अंदर आपका स्मूथनेस है जो ऐड हो जाएगा और यहां पे आपको है जो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे पर्सनली आपको नोटिस होने वाली है, क्योंकि EU की तरफ से ये चीज मैंने कई बार फेस किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी सेटिंग वगैरह के अंदर आपको कोई भी दिक्कत ऐसे नहीं आती, काफी स्मूथ यहां पे परफॉर्म करता है फर्स्ट डे से ही। और साथ साथ यहाँ पे 2.2 के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे लाइका कैमरा हमारा 6.1 ऐड हो चुका है, जहाँ पे आपको इस तरीके से फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, जो कि आपको भी इंडिया में देखने को मिलेगा। बट कब आता है, कैसे आता है, क्या क्या कस्टमाइजेशन होती है, क्या क्या फीचर्स को कटआउट किया जाता है, वो तो आने के बाद ही पता चलने वाला है। बाकी यहाँ पे विजर्स वगैरह की बात करें तो वही आपको सिंपल सा विजर्स देखने को मिलेगा ग्लोबल वर्जन वाला, जिसमें कुछ खास आपको चेंज आने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इफेक्ट्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ सेटिंग के अंदर इन करते हैं, बॉटम पे चलते हैं तो आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल EU टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सर्कल टू सर्च यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो वगैरह, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, ये सारे आपके काम करते हैं। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ आपके काम करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ बैटरी के अंदर हम बात करते हैं स्क्रीन ऑन टाइमिंग की, तो ये चीज यहां पे आपको दिखाई देता है, जो कि ऑफिशियली तो आया है नहीं। बाकी यहां पे आपको चार्जिंग के ऑप्शन में वही स्टैंडर्ड और स्पीड अप वगैरह टॉप अप का फीचर्स मिलता है, और बैटरी प्रोटेक्शन में वही सारे कॉमन से ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया, सिमिलर से चीज आपको नजर आती है। ऐप्स के अंदर भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड आपका प्रॉपर फिक्स रहता है, बट यही सेम चीज अगर चाइना का रोम डालते हो स्टॉक वाला तो उसमें फिक्स नहीं रहता। बाकी एडवांस टेक्सचर्स है, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आई हेल्थ नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वही HDR वगैरह का अलाउ और रोटेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इन करते हैं होम लॉन्चर पे, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉ एंड कॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है स्टिल अभी तक, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ पे नज़र नहीं आता। अगर हम आते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो जो 2.2 का फीचर्स था मेन फोकस वाला फीचर्स, वो है हमारा कस्टमाइज टॉगल डिस्प्ले, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फाइनली, जो कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 5 तक इनेबल करके देगा। LTE को 4G पे स्विच कर सकते हो, ऐप्स आइकन नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे कई सारे और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर आप अलार्म वगैरह सेट रखते हो तो जितना भी रिमेनिंग टाइम रहेगा वो आपको ऊपर शो करता रहेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जो कि 2.2 के समय मैंने आपको बताया था, वो है हमारा कस्टमाइजेशन वाला शॉर्टकट लॉक स्क्रीन के लिए, जहाँ पे आप लेफ्ट और राइट की चीज़ों को अपने हिसाब से जो मॉडिफाइड कर सकते हो, क्या क्या शॉर्टकट रखना है वो आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये जो AI वॉलपेपर है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट हाँ, AI वॉलपेपर में एक फनी पार्ट मुझे पता है क्या देखने को मिला, कि इस AI को अभी तक आयरन मैन कौन है वो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ
पे इस AI ने भाई देख सकते हो इस वॉलपेपर किस तरीके से कस्टमाइज किया है, मॉडिफाइड किया है, यानी यार आयरन मैन की बेइज्जती कर दी है इसने तो। यहाँ पे भाई इस AI को कुछ आइडिया नहीं है कि वो इस फोटो में जो व्यक्ति है उसके साथ ये क्या कर रहा है, जबकि बाकी हर एक जगह पे ये अच्छे तरीके से काम कर जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आयरन मैन के साथ भी देखने को मिला था, कैप्टन अमेरिका के साथ भी देखने को मिला था। यानी इस AI को ये मतलब नहीं है कि भाई फोटो के अंदर जो है वो रियली में कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो उसके हिसाब से उसे मॉडिफाइड करे, नहीं, अपना दिमाग लगाता है और जैसे भी चाहे मूवमेंट ऐड कर देता है। चलो कोई नहीं, बस मैंने ऐसे ही जस्ट थॉट शेयर किया है, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें मत कर लेने लग जाना, ठीक है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वही सारे हाइपर वाले ऑप्शन वगैरह जिसमें कोई चेंज वगैरह नहीं है, और यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह के अंदर वही लेंस वाले ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अगर आप नॉर्मल वॉलपेपर यूज करोगे तो। और AOD की बात करें तो ऑफिशियली तो आपको 10 सेकंड ही मिलने वाला है, बट इस EU के अंदर ऑलवेज स्मार्ट शेड्यूल वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन है, जो कि स्टॉक में तो ये आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे वही सारे सिंपल सी चीज़ें देखने को मिलती है, और भी कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिला, यानी कह सकते हैं बेसिक से सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक लॉक स्क्रीन शॉर्टकट कस्टमाइजेशन और दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन टॉगल वगैरह का। बाकी गैलरी की बात करें तो गैलरी आपको लेटेस्ट अप टू डेटेड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से रिमूव रिफ्लेक्शन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप किसी भी फोटो वगैरह को इस तरीके से एडिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगी चीज़ें सेंसर स्पैंड वगैरह का। लेकिन जो नया UI आया है 3 पॉइंट वाला हाइपर का, उसमें नया लुक देखने को मिला था, वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, जो कि आप मैनुअली चाहो तो इनेबल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे निकल के आती है परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में, तो वो हम चेकआउट करते हैं। जब इसे फ्लैश करोगे, ये एक हाइब्रिड रोम है तो PC से बैड फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो, तो इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट आपको ऐप मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे एक ही पास देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हो बेसिक वाला है, बाकी आप अपना पास वाला प्रोसेस फॉलो करके इसे ठीक कर लेना। अनदर फर्स्ट टाइम में ये हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैंने दोबारा रन किया तो स्कोर रियली में काफ़ी इंप्रूव्ड और काफ़ी बेटर देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो गीकबेंच है ये भी काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट शो करता है। अनदर यहाँ पे हमारा नॉर्मल टेस्टिंग 3,80,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,48,000 है, जो कि मैं कहूँ अच्छा है, 95 का स्कोर है। बट जैसे मैंने इसे गेम टूर में डाला और बूस्ट मोड यानी वाइल्ड मोड को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप देखो 4,22,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,74,000 है, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है और काफ़ी बेटर है इस वाले से। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट मुझे इस बार मैं कहूँ कि अच्छा है, लेकिन आप जहाँ पे भी यूज करो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भाई टोटल करेगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी गेमिंग के अंदर बाई डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रीम और अल्ट्रा स्ट्रीम का सेटिंग अनलॉक हो जाता है, और इंडिया में जल्द ही ये अनलॉक होने वाला है ऑफिशियली, क्योंकि ग्लोबल में जितने भी अपडेट आए हुए हैं ना, जो कि 2.0.4 और 2.0.3, उनमें कब का आ चुका है BGMI के अंदर, जबकि BGMI स्पेशली इंडिया के लिए, और इंडिया में ये अपडेट अनलॉक नहीं हुआ है, तो मे बी आने वाले टाइम में जल्दी अनलॉक होगा, जो कि मे बी Poco F1 के लॉन्च के बाद ही ये लोग करेंगे, इसलिए शायद रोक रखे होंगे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी फोटो स्टोरेज वगैरह यहाँ पे आपको अनलॉक नहीं मिलता, L1 का सपोर्ट है, Dolby Vision, HDR, HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर आप फ्रेम वगैरह ऐड नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने जितना भी यूज़ किया मुझे अच्छा लगा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे साइड पैनल के अंदर मुझे एक नया शॉर्टकट देखने को मिला, जो कि एक लंबे टाइम के बाद मैंने यूज़ किया है, मे बी ये पहले से हो या फिर नहीं भी हो सकता है, आप देख लेना बताना मुझे, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है ये वाला। तो यहाँ पे ऐड प्लस और रीसेट कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, जो कि आई थिंक पहले ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन लंबे टाइम के बाद मैंने इस सेटिंग को ओपन भी किया है, तो आप बताना कि ये रिसेंटली आपको देखने को मिला है या इस 2.2 के अपडेट के बाद ही नज़र आया है। टोटल यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है इस अपडेट के अंदर। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वही सिंपल सा बेसिक से आपको मेथड फॉलो करना है बैड फाइल रन करने का, जो कि लास्ट में मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट डे आप इसे यूज करते हो तो आपको हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिलेगा वॉल्यूम पैनल के अंदर कंट्रोल सेंटर लेफ्ट एंड राइट करने पे, लेकिन सेकंड डे से ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी और रोम काफ़ी अच्छा तरीके से काम करने लग जाएगा। तो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है, तो ठीक से सुनना समझना और फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, पासवर्ड मोड ऑन करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करें, पासवर्ड मोड ऑन होने आपको फिर से कनेक्ट कर देना है। अब जो भी रोम आप फ्लैश करें उसे अनजिप कर लेना, जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके अंदर आपको इंस्टॉलर बैड फाइल देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग नेम से आपको दिखाई दे सकता है, तो अपने हिसाब से पिक कर लेना और डबल क्लिक करके रन कर देना। आपसे मे बी पूछ सकता है कि फॉर्मेट करना है या नहीं, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसके हिसाब से आपको कमांड को एंटर कर देना है। रूट का अगर ऑप्शन आता है तो आप अपने हिसाब से रूट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर KSU वगैरह या कर्नल वगैरह जो कुछ भी आता है यहाँ पे CMD के ऊपर अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जाना। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, जिसमें 5 या 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, फोन पे बूट लोगो आ चुका है और टूल पे लिखा हुआ आ गया प्रेस एनी की। समटाइम ये लिखा हुआ नहीं आता है, समटाइम आपसे पूछ देगा कि फॉर्मेट करना है या नहीं, जो कुछ भी आता है उसके हिसाब से आप जो अपना काम कर लेना, और उसके बाद आपका जो फोन कुछ ही मिनट में बूट कर जाएगा हाइब्रिड मेथड यानी बैड फाइल रन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है काफी ईजी तरीके से।